Great morning, class. I hope you all are fine. Today, we are going to understand the topic of selecting a sticker and moving a sticker. Class, up till now, we have understood how we could add a sticker into our canvas. We know what was a canvas? Canvas was that white sheet. That white sheet on which I could add my sticker. That was my canvas. Today we are going to understand how I can select that sticker. Okay, how I can select that sticker so that I can apply the operations of cut, copy, and paste. You know no, what was cut and copy and paste. These you had done in your MS paint also. So today we are going to understand that how we can copy and paste an object in 3D paint. So, class, I hope you will understand and enjoy this topic. Thank you. Selecting a sticker. You can make changes to the sticker that you have inserted in the Paint 3D canvas. You can change the size, position, orientation, and appearance of the sticker.

जो भी हमने पेंट थ्री के अंदर स्टिकर को इंसर्ट किया है इंसर्ट का मतलब क्या होता है जो भी हमने ऐड किया है इन योर पेंट थ्री हम उस स्टिकर में चेंजेस कर सकते हैं कौन कौन से चेंजेस कर सकते हैं वी कैन चेंज द साइज ऑफ द स्टिकर साइज क्या होता है कि कोई चीज बिग है या स्मॉल दैट इज योर साइज पोजीशन पोजीशन क्या होती है कि वो कहाँ पे है अभी इधर है फिर वहां चला जाए यानी लोकेशन कि वो चीज किस लोकेशन पे है ओरिएंटेशन कि वो सीधी है या उल्टी हो गई लाइक दिस ठीक है एंड अपियरेंस अपियरेंस होता है उसका कलर उसका कंट्रास्ट ठीक है तो हम उसकी अपियरेंस को भी चेंज कर सकते हैं लेकिन वो कहता है कि कोई भी चेंज करने से पहले बिफोर मेकिंग एनी चेंज इट इज नेसेसरी टू सिलेक्ट द स्टिकर की सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा स्टिकर को सिलेक्ट तो इन दिस पैराग्राफ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी कैन सिलेक्ट द स्टिकर नाउ द फर्स्ट थिंग इज द सिलेक्ट टूल प्लेस्ड जस्ट बिलो द टॉप मेन्यू इज यूज टू सेलेक्ट अ अटिक्कर मतलब ये वाला टूल टूल का नेम क्या है सिलेक्ट टूल आप सिलेक्ट टूल से क्या कर सकते हो यू कैन सेलेक्ट अ स्टिकर एंड वेयर इज दिस सिलेक्ट टूल प्लेस्ड मतलब ये सिलेक्ट टूल कहाँ पे मिलता है इट इज प्लेस्ड जस्ट बिलो द टॉप मेन्यू टॉप मेन्यू के जस्ट नीचे ये स्टिकर आपको मिलेगा एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम ये आपका टॉप मेन्यू है और टॉप मेन्यू के जस्ट नीचे ये आपका क्या है सिलेक्ट टूल ठीक है तो आपको स्टेप्स कौन कौन से यूज करने हैं एड द स्टिकर सन टू द कैनवस क्लिक ऑन द सिलेक्ट टूल मतलब सबसे पहले आप स्टिकर को प्लेस कर लो हमने कल लर्न किया था ना हाउ टू ऐड अ स्टिकर तो सबसे पहले आपने एक स्टिकर ये सन है सन का स्टिकर आपने ऐड कर लिया टू योर कैनवस कैनवस वॉज दिस वाइट शीट उसके बाद आपको क्या करना है क्लिक ऑन द सेलेक्ट टूल तो इस सेलेक्ट टूल पे क्लिक कर दो वंस द ऑब्जेक्ट इज सेलेक्टेड अ रेक्टेंगल विद डॉटेड लाइंस विल अपीयर अराउंड द स्टिकर तो ये देखो इस स्टिकर के अराउंड ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है दिस वन ये जो ऐसे डॉटेड लाइंस दिख रही हैं और ये डॉटेड लाइंस क्या बना रही है रिक्टेंगल बना रही है ना तो ये जो आपको डॉटेड लाइंस दिख रही है दिस इज योर सिलेक्टेड टू ठीक है ये आपकी सिलेक्शन लाइंस है जो कि आपकी सिलेक्ट टूल ने बनाई है ठीक है जब भी आप सिलेक्ट टूल को प्रेस करोगे तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट आपने क्लिक किया होगा उसके अराउंड ये लाइंस बन जाएंगी ठीक है और आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा सेलेक्ट हो जाएगा और हमें सिलेक्शन की नीड क्यों पड़ती है हमने इसको सेलेक्ट क्यों किया क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि अगर हमें कोई भी साइज पोजीशन ओरिएंटेशन या अपियरेंस हमने फोर थिंग्स पढ़ी थी ना इफ यू रिमेम्बर साइज पोजीशन ओरिएंटेशन एंड अपियरेंस अगर हमें इसमें से किसी भी चीज को चेंज करना है तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट आर स्टिकर इज लेक्टेड फर्स्ट मतलब हमारा स्टिकर पहले सिलेक्ट होना चाहिए नहीं तो हम हमारे स्टिकर में कुछ भी नहीं कर सकते कोई भी चेंज जो यहाँ लिखा है उनमें से हम नहीं कर सकते नेक्स्ट टॉपिक इज मूविंग अ स्टिकर आफ्टर एडिंग द डिजायर्ड स्टिकर यू कैन ऑलवेज चेंज द पोजिशन एंड साइज ऑफ द स्टिकर बाय ड्रैगिंग इट्स एजेस वो बोलता है जब आपने एक स्टिकर को ऐड कर लिया है अपनी ड्राइंग में तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो ठीक है कैसे कर सकते हो बाय ड्रैगिंग इट्स एजेस कल मैंने आपको ड्रैग का मीनिंग बताया था ना ड्रैग का मतलब क्या होता था माउस का क्लिक माउस से पकड़ लो उस चीज को और खींच दो जब आप उसको खींच दोगे तो वो क्या हो जाएगा ड्रैग हो जाएगा ठीक है तो ड्रैगिंग की हेल्प से आप क्या कर सकते हो हमेशा ही पोजीशन को चेंज कर सकते हो तो अब हम यहाँ स्टेप्स पढ़ेंगे बेटा उन स्टेप्स से हम क्या करेंगे देखो हमारे पास यहाँ एक सन है मैं इस सन की एक बिल्कुल कॉपी बना लूंगी फोटो कॉपी पता है ना जैसे आपकी असाइनमेंट की फोटो कॉपी मिलती है समरी की फोटो कॉपी मिलती है आप लोगों को है ना वो सारी क्लास के लिए सेम होती है ना इसी टाइप से हम इस सन की भी एक कॉपी बनाएंगे अभी और फिर उसको ड्रैग करके साइड पे ले जाएंगे ताकि हमारे पास टू सन हो जाए तो अभी हम यही देखेंगे कि हम कैसे एक कॉपी बना सकते हैं और कैसे हम उसको मूव कर सकते हैं ठीक है इंसर्ट सन इन टू दैनवस एंड सेव द फाइल विद नेम सन सबसे पहले आप क्या करो सन को इंसर्ट कर लो मतलब एड कर लो इन योर कैनवस और अपनी फाइल को सेव कर लो सिलेक्ट द स्टिकर यूजिंग सिलेक्ट टूल फ्रॉम द टॉप मेन्यू उसके बाद आपने क्या करना है यू हैव टू सेलेक्ट दिस सन जैसे अभी अब सिखाया था ना सिलेक्ट टूल पे क्लिक करके तो यू हैव टू सेलेक्ट दिस सन आफ्टर दैट सिलेक्ट कॉपी बटन अंडर द एडिट ऑप्शन फ्रॉम द टू डी सिलेक्शन पैनल अब आप ये देखो जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे ना तो यहाँ पे ये वाला पैनल आ जाता है ठीक है ये जो आपका ऐसे बॉक्स खुला हुआ है हम इसको क्या बोलते हैं पैनल पी ए एन ई -E एल ठीक है इस पैनल में ये देखो एडिट लिखा हुआ है तो इस एडिट ऑप्शन के अंदर आपको ये सेकंड ऑप्शन दिख रहा है ऐसा ऐसा सा तो इसको हम बोलिए हमारा होता है कॉपी का ऑप्शन ये वाला ठीक है दिस इज कॉपी ऑप्शन तो आपने क्या करना है अब इसको सेलेक्ट करके इस कॉपी पे क्लिक करना है ठीक है तो ये कॉपी हो गया मतलब इसकी एक कॉपी बन गई यानी इसके जैसा एक बन गया नाउ क्लिक ऑन पेस्ट बटन देखो कॉपी से नेक्स्ट जो बटन है ना दिस वन दिस इज योर पेस्ट बटन ठीक है द न्यू कॉपी ऑफ द सेलेक्टेड स्टिकर विल बी प्लेस्ड ओवर द प्री एग्जिस्टिंग स्टिकर तो देखो कॉपी तो बन गई थी लेकिन अभी हमने वो आई नहीं थी उसको लाने के लिए हमने किस पे क्लिक कर दिया पेस्ट पे तो जैसे ही हमने पेस्ट किया तो इस स्टिकर के ऊपर यानी जो पहले से बना हुआ था प्री एग्जिस्टिंग का मतलब होता है जो पहले से बना हुआ था स्टिकर उसी स्टिकर के ऊपर जो दूसरा स्टिकर था आपका वो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा प्लेस ओवर हो जाएगा ठीक है अब जो नया स्टिक्कर इसके ऊपर आया है उस पर क्लिक करो उसको सेलेक्ट करो और उसको क्या कर दो ड्रैग कर दो तो फिर क्या होगा अभी आपको दिखाते हैं तो ये देखो बेटा जैसे ही आपने ड्रैगन ड्रॉप किया तो देखो एक सन तो यहां आ गया और एक जो आपका सन पहले से था वो यहां आ गया यानी हमारे पास क्या आ गए टू सन आ गए जो एक जैसे ही है तो जो ये न्यू सन अपने आप बना ये कौन से वाला है ये कॉपी है जो आपने कॉपी पेस्ट करके बनाया था ना ये वो वाला सन है और जो आपने सबसे पहले स्टार्टिंग में एक सन एड किया था टू योर कैनवस तो ये वो वाला सन है इसलिए आपके पास क्या हो गए टू सन आ गए एक कॉपी जनरेट हो गई आपकी इस सन की ठीक है एंड लास्ट टॉपिक फॉर टूडे इज डिलीटिंग थ्री डी प्रोवाइड दिटी टू इरेज अर देखो डिलीट का मतलब क्या होता है किसी चीज को रब कर देना किसी चीज को इरेज कर देना तो पेंट थ्री डी हमें यह भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आपने कोई स्टिक्कर बनाया और अब आपको वो नहीं चाहिए तो आप उसको हटा सकते हो यूजिंग दिस डिलीट ऑप्शन टू डिलीट कैन यूज द डिलीट ऑप्शन गिवन इन दिलेक्शन पेन देखो ये में, ये था, ये का ऑप्शन था किसको डिलीट कर सकते हो अपने स्टिकर को तो स्टेप्स क्या क्या होंगे टू डिलीट अलेक्टेड यूजिंग द सिलेक्ट टूल फ्रॉम द टॉप मेन्यू सबसे पहले आपको क्या करना होगा अपने स्टिकर को सिलेक्ट करना होगा Once the sticker has been selected you can click on delete icon under the edit option जैसे ही ये सेलेक्ट हुआ आप डिलीट पे क्लिक कर दो जैसे ही आप डिलीट पे क्लिक करोगे तो ये यहां से हट जाएगा रिमूव हो जाएगा इरेज हो जाएगा यानी कि डिलीट हो जाएगा तो डिलीटिंग के लिए आपको कुछ भी नहीं करना आपको सबसे पहले अपने स्टिकर को सेलेक्ट करना है यूजिंग सिलेक्शन टूल एंड आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस डिलीट आइकन इस डिलीट आइकन पे क्लिक करना है जैसे इस पे क्लिक करोगे आपका स्टिकर क्या हो जाएगा डिलीट यानी कि इरेज क्लास आई होप You have understood the topic of moving and deleting a sticker. Thank you.